अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान, इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। जय श्री राधे। हाँ जी सज्जनों, मैं तो आपसे वही निवेदन करूंगी कि जिस तरीके शांति बना तुम आ रहे हैं, कृपया उसी तरीके शांति बनाए रखें और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहें। आपके सामने सभी कला का नीला पे धेला है सज्जनों, लेकिन कभी ने कलम को उठाया और क्या लिखा भैया गुड्डू, सुनिएगा। कि भैया दुनिया में आई के काम छोड़ दे और पराई, कि चोरी कैद कराई दे चुगली कर दे खोर, घर लुटवा दे जामुनी सर कटवा दे पराई। आहा सजनों, चिकड़ी भजना की मैं चीज होती है साखी, लेकिन सुनिएगा क्या कहा भैया गुड्डू। ओ अरे भैया मेरे अरे ले रे खड़ा मू और भरत मेरे वीर और भरत मेरे वीर रे सो सेवा
जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, और भाव से उसको भजोगे तो भव से बेड़ा। आहा सज्जनों, ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो आपने अपने कानों द्वारा सड़वणों द्वारा 10-20 बार नहीं सुना हो। आहा सज्जनों, मेरा प्रसंग भीष्म पिता के जन्म से रहेगा। आज राजा शांतनु मन में विचार करते ही कि महलों में बैठे क्या करी चली शिकार खेलने के लिए। आहा सज्जनों, आज राजा शांतनु वनी में शिकार खेलने के लिए आ जाते ही, लेकिन सुनिएगा गाहे में क्या कहा भैया जी। सोची धनुष बाण कर धारी भूप भोला सदिवायो, बनी में राजा आयो। सो खेलन गए आखे इकली नार देखी बने खड़ में, ए जी भैया विलास भे सुनिएगा क्या कहा। और कर सोला सिंगार के अबीला, और कर सोला सिंगार के अबीला, और नारी ने पटला के ली, और रहिया बनी में घूम जाके कोई नए संग सहेली। वाको मत विश्वास करो जो बोले मीठी बात।
पर दुख में साथ वही देगो जाकी होए आखन में पानी क्या और 101 रुपए वीरों का नगला कटराना वाले देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए अमर सिंह हवलदार जी देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए रूप सिंह जी देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सज्जनों कहा है कि चार कदम आगे कुबड़ के कि चार कदम आगे कुबड़ के राजा बोले बानी ये तो तू कोई देव अप्सरा की राजा की कि कौन कहां से आई है कि कौन कहां से आई है मैं खुल के पूछू तोते और मतभेद छिपावे एक 100 रुपए नवाब जहार जी देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सज्जनों आज राजा शांतनु कहने लगे कि अगला कौन है कहां से आया तेरा नाम क्या है। हाँ सज्जनों आज अगला कहने लगे हे महाराज अमर से गिर पड़ी उस धरती मां ने मुझे खेल लिया और मेरा नाम गंगा है। इतना कहा कि मेरा नाम गंगा है तो आज राजा शांतनु कहने लगे हे रानी गंगा जितनी तुम सुंदर हो उससे सुंदर तुम्हारा नाम है। लेकिन कवि ने कलम को उठाया और क्या लिखा सुनिएगा। और जाके जड़ी रे पपिया मोरी मन में शर्माई गई कामनी और 100 रुपए हरवीर भोतार जी नियामतपुर वाले देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीरो तो परिगो जाकागा तुझी ओहो पीरो तो परिगो जाकागा तुझी हल पीरो तो परिगो जाकागा तुझी की मारे छन कहा रे हो जाके मन में भाई गई भामुनी। अरे 51 रुपए छत्रपाल डीलर जी देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए महागौरी फैंसी स्टेज वाले देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा पीरो तो परिगो जाकागा तुझी और ये तो पायल की मारे छने कहर हो जाके मन में भाई गई भामनी। अरे 51 रुपए बाबा साहब राम खिलाड़ी हतीजर वाले देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा पीरो तो परिगो जाकागा तुझी पीरो तो परिगो जाको गा तुझी और ये तो पायल की मारे छन कहा रोह जाके मन में भाई गई भामुनी। मोरी मन में शर्माई गई
आहा सज्जनों, आज रानी गंगा ने कह दिया कि हे महाराज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आहा सज्जनों, ये 200 रुपए अंकल जी देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आहा सज्जनों, आज रानी गंगा ने कह दिया कि हे महाराज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आहा सज्जनों, आज राजा शांतनु कहने लगे हे रानी गंगा, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। लेकिन सुनिएगा आज किस तरीके से क्या कहने लगी। ओ ओ देवन की लघु में बेटी, और धरती माँ में फेरी। लेकिन तुलसीदास ये रामायण के अंदर लिखा है, धीराज धर्मा बाबा साहब देते इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा करी ताली बाड़ा, और 51 रुपए केशव धरसोनी जी देते इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा करी ताली बाड़ा धनु तु सोहा, ये 51 रुपए अंकल जी देते इनके लिए, जयश्री जी देते इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए बाबा साहब जलालपुर वाले देते इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा ये 51 रुपए अंकल जी देते इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा करी ताली बाड़ा धनु तिया तु सोहा, करी ताली बाड़ो धनु तिया तु सोहा, देखती रूप चराचर मोहा। लेकिन कहा अंकल जी किशन सिंह जी देते इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए सुनील पंडित जी देते इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा करी ताली बाड़ा धनु तिया तु सोहा, करी ताली बाड़ो धनु
देखत रूप चरहा चारिबो कोई नहीं है। आहा सज्जनों, आज राजा शांतनु कहने लगे, हे रानी गंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन कहा कि राजी हो तो सुल्ला वाला, कि राजी हो तो सुल्ला वाला, तू मोसंग बिहार चाह लियो और छत्री को धर्म नार की रक्षा बेसक मोय अजी। कैसा हो तो चलो नगर को, कैसा हो तो चलो नगर को, अब कैसी आना कानी और महलन की बनाए दऊं। आहा सज्जनों, आज रानी गंगा कहने लगे, हे महाराज, मैं आपकी शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहने लगे क्या, सुनिएगा आज कैसे बताने लगी। भाई लक्ष्मण जी कहीं हो भैया, टंकी में पानी खत्म हो गया है, व्यवस्था करें, पानी भरे टंकी में। और कह रही अबिला सुन ले राजा, और कह रही अबिला सुन ले राजा, जब तो संग ब्याह रचाऊंगी जो बेटा मेरे पैदा हो पाए
सज्जनों, कभी नारी की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होना चाहिए। आहा सज्जनों, आज राजा शांतनु रानी गंगा की शर्तों को मान लेते हैं, आज उनसे शादी रचा लेते हैं, अपने महलों में ले आते हैं। लेकिन आहा सज्जनों, गुड्डू भैया जी, क्या गुजरो वक्त भूल कर राजा, क्या गुजरो वक्त भूल कर राजा, और वक्त खुशी को आयो है, और 9 महीना जाके पूरे है गए रानी ने बेटा। सो राजा पे खबर पड़ी, सो राजा पे खबर पड़ी, वो राजा मने त्रायो और वो तो फूलो ना आए। आहा सज्जनों, आज रानी गंगा के एक बेटा पैदा होता है, लेकिन राजा शांतनु क्या कर रहे हैं सुनिएगा। लेकिन सुनिएगा, आज रानी गंगा क्या कर रही है। अरे उठा रानी चली रे बेटा को, अरे उठा धन्यवाद। लेकिन कहा अरे ठाडो तो भूप बिला किराया पीछे, ठाडो तो भूप ओ, 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 अरे ठाडो तो भूप बिला किराया पीछे, ठाडो तो भूप लेकिन कहा जुदा हम करेंगे,
तुम ही दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे लेकिन कहा कभी प्यार दिल से निकलता नहीं है बाबों का मौसम बदलता नहीं है बफा हमने की है बफा हम करेंगे बफा हमने की है बफा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे लेकिन तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे लेकिन लंगड़े ढोला का जवाब सुनेगा आज राजा शांतनु कहने लगे वादना हिल की सो भर भरी राजा रो रो वादना हिल की सो भर भरी राजा आइए समय का भाव सुनिएगा छोटा सा गाना और गाना भी कहां से आज कर्ण में और अर्जुन में युद्ध हो रहा है लेकिन कर्ण कहता है अर्जुन तू अपने आप को बड़ा मारती समझता है सोचता है कि जो कुछ हूं मैं ही मैं हूं लेकिन मेरी नजर में तेरी क्या औकात आइएगा बंबई वालों ने धुन निकाली थी सुनिएगा लेकिन आज कर्ण कहता है अर्जुन सुन तू क्या मारथी है तू क्या मारथी है तुझी को बचाने वाला तेरा सारथी है तू आज करण कहता है कि अर्जुन सुन रथ बान रथ पे बन के भगवान बैठे ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे ध्वजा की पता हनुमान बैठे लेकिन कहा रथ बान रथ पे बन के रथ
भाई महेश गाबुड़ जी देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए बाबा साहब देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा, लेकिन आज करण कहता है अर्जुन और 51 रुपए बड़े भाई देते हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा कि अर्जुन तेरे साथ में तो दो दो रक्षक है लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं है। लेकिन कहा माना कि तरकस में तेरे हरि भान होगा, माना कि तरकस में तेरे हरि भान होगा। गांधीव धनुष का तुझको अभिमान होगा, गांधीव धनुष का तुझको अभिमान होगा। लेकिन कहा मेरी नजर में तू अर्जुन विद्यारथी है तू, क्या मारथी है तू, क्या मारथी है। लेकिन आज करण एंड की बात में कहता है अर्जुन, मेरे साथ में कितना भी बुरा हो जाए लेकिन तेरे साथ में कृष्ण कोई अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन कहा भैया गुड्डू जी, अन्याय तेरे संग में होने न देंगे, अन्याय तेरे संग में होने न देंगे। अर्जुन कन्हैया तुझको मरने न देंगे।